मैं बताऊंगा आप लोगों को कि कबूतर को सिर्फ पानी देकर कैसे पाल सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखना, नए हैं तो जो लाल वाला बटन है ना दोस्तों सब्सक्राइब वाला, उसे एक बार आप दबा के सब्सक्राइब कर लेना और साथ में घंटी का बटन भी दबा लेना, ताकि मैं जब भी आपके लिए कोई नया अपडेट लेके आऊँ, नया इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ, तो आप तक वीडियो पहुँच जाए और आपके परिंदे स्वस्थ रहे, अच्छे रहे और अच्छे हुए। बस मैं इतना ही आप लोगों से शेयर करता रहता हूँ हमेशा, और कुछ भी आपको पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दोस्तों ये कबूतर का बच्चा है, इसे हम सिर्फ पानी पे भी पाल सकते हैं, क्योंकि गर्मी का बहुत ज़्यादा समय है दोस्तों। इस वक्त पूरे भारत में गर्मी है और ऐसा होता है कि दोस्तों पानी की कमी की वजह से कबूतर के बच्चे अच्छे से नहीं पल पाते हैं। कबूतर के जो माँ बाप होते हैं दोस्तों, वो इन्हें खिला तो देते हैं लेकिन वो पानी नहीं दे पाते ज़्यादा। तो आप ऐसा कर सकते हो, जब कबूतर से दाना चुगा दें तो कम से कम आप इसे सुबह 5 ml, दोपहर में 5 ml और शाम को 5 ml इसे पानी दे देना है। इस बच्चे को भी दे देना है। इससे ये होगा कि जो इसका पोटा है दोस्तों, देखो बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए और लगना चाहिए कि हाँ इसके अंदर दाना है, पानी है। इससे ये होगा कि जो कबूतर का भाई अंदर ये जो है ना, इसके अंदर दाना इकट्ठा नहीं हो जाएगा। अगर मान लो इसके अंदर पानी नहीं रहेगा दोस्तों, तो ये सूख जाएगा दाना, और सूखने के बाद इसका डेथ होना कन्फर्म है। तो थोड़ा बहुत अगर ब्रीडर के मतलब ब्रीडिंग करवा रहे हैं तो दोस्तों आप अपने कबूतर को सिरिंज से ज़रूर 5-5 ml पानी पिलाना है। इससे यही होगा कि आपके कबूतर कभी भी नहीं मरेंगे दोस्तों। कबूतर के बच्चे सिर्फ पानी से पाल सकते हैं कबूतर के बच्चे को, आपको करना कुछ नहीं है, बस 5-5 ml पानी देना है, एकदम फ्रेश पानी, ताज़ा पानी, इसमें कोई दवा ही नहीं देना है। बाकी दाना तो खिला ही देगा भाई, कबूतर का काम है दाना खिलाना। तो सोचा कि जो भाई को मालूम नहीं है कि कबूतर के बच्चे को सिर्फ पानी पे कैसे पाले, तो एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मतलब आप लोगों को दे रहा था। तो दोस्तों अभी मैं देख रहे हो कि मैंने इसे अभी पानी तो नहीं दिया है, लेकिन पानी की इसको अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके माँ बाप ने अच्छे से दाना दे दिया। बहुत सारे भाई कह रहे थे कि देखो भाई मेरे कबूतर का जो फोटा है वो जाम हो जाता है। भाई इसी वजह से जाम हो जाते हैं आपके कबूतर के फोटे, और धीरे धीरे वो सूखे में चला जाएगा बच्चा, और आप जब फिर देखोगे तो आपको मरा हुआ मिलेगा। तो दोस्तों आप भी अपने कबूतर को ख्याल रखिए, गर्मियों के समय में कबूतर के बच्चे को पानी दीजिए, वो केवल पानी से ही ग्रोथ करेगा। अगर जिस कबूतर के बच्चे के अंदर अगर पानी की कमी हो गई तो उसका ग्रोथ रुक जाएगा। आप देख सकते हो दोस्तों दोनों में कितना फ़र्क है, दोनों एक साथ का बच्चा है, देखें। ये दोस्तों पानी की कमी की वजह से होता है, अगर पानी की कमी नहीं होता तो ये दोनों बच्चा एक साथ पलता। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें लाल बटन दबा के, और वीडियो को आप लोग लाइक करें। अगर कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो मेरे साथ तो आप कमेंट वगैरह कर सकते हो, और आप लोग दोस्तों में भी शेयर करें।